अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मैरी आर्गवान एंड टुडे आई एम गोइंग टू पेंट मूनलाइट सीनरी। एंड इन दिस पेंटिंग आई विल यूज़ दिस कलर, फर्स्ट ब्लैक, ब्लू, वाइट एंड देन येलो। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले ब्लैक कलर यूज़ करना है और उसे ब्लेंड करने के बाद इसमें हम ब्लू कलर ऐड करेंगे। ब्लू कलर को ऐड करने के बाद हम इसे उस वक्त तक ब्लेंड करते रहेंगे जब तक ये ब्लैक में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। मेरे पास डार्क ब्लू कलर नहीं था तो मैंने इसमें ब्लैक कलर थोड़ा सा ऐड कर लिया है। नाइट स्काई बनाने के लिए मैं सिर्फ दो कलर ही यूज़ कर रही हूँ, सबसे पहले ब्लैक को और ब्लू, और इन्हीं को अच्छे से मिक्स कर दूँगी और बाद में हमने इसके स्टार बनाने हैं और मून बना देना है। आज की पेंटिंग जो कि मैं पहले से ही ड्रा कर चुकी हूँ और इसमें मैंने तीन ब्रश यूज़ किए हैं, फ्लैट ब्रश, लीनियर ब्रश और एक स्मॉल फ्लैट ब्रश। ब्लू कलर को मैं ज़्यादातर ब्लेंड कर चुकी हूँ और जहाँ पे मून बनाना है उस जगह पे ब्लू कलर नहीं करूँगी, वहाँ पे वाइट कलर ऐड कर देना है हमने। एंडिंग हम लाइट ब्लू कलर से करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने ब्लू कलर में वाइट कलर ऐड नहीं किया बल्कि ब्लू कलर में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है और उसी कलर से मैं सारी ब्लेंडिंग कर दूँगी। आई होप आज की पेंटिंग आप मेरी पसंद करेंगे। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच जाए। स्काई हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे अब मैं ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ जहाँ पे मैंने बुशेज़ बनानी है। बुशेज़ बनाने के लिए हम यहाँ पर स्मॉल फ्लैट ब्रश यूज़ करेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है। यहाँ पे अब मैं मून को राउंड शेप दे दूँगी और इसमें मैंने वाइट कलर ऐड किया है और इस मून को हम अच्छा सा राउंड दे देंगे। और मून को राउंड शेप देने के बाद इसकी आउटर साइड पे भी हम थोड़ा सा वाइट कलर ऐड कर देंगे ताकि थोड़ी रियल रोशनी लगे। मून की आउटर साइड पे कलर लगाने के बाद अब ब्लैक कलर यूज़ करूँगी क्योंकि मून वाइट नहीं होता। और अब हमारा नाइट स्काई रेडी हो गया है, लेकिन अभी भी इसके ऊपर मैंने क्या बनाना है, स्टार्स। तो इसके लिए मैंने एक हार्ड ब्रश यूज़ किया है क्योंकि हार्ड ब्रश से स्टार्स बहुत अच्छे बन जाते हैं। हम ब्रश को पहले थोड़ा सा गीला कर देते हैं और उसके ऊपर थोड़ा वाइट कलर ऐड करना होता है और फिर इसको प्रेस करते जाना है और स्टार्स बनते जाएंगे। तो हमारा स्काई रेडी है और अब हमने यहाँ पर लेक के साथ साथ एक हाउस बनाना है जिसको मैं पेंसिल से ड्रा कर चुकी थी, लेकिन उसको अब हाईलाइट करने के लिए मैंने पॉइंटर यूज़ किया है और इसे ड्रा करने के बाद मैं कलर ऐड करने वाली हूँ। सो कीप वॉचिंग एंड एंजॉय इट।
आज की पेंटिंग हमारी रेडी होने वाली है। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पर मैंने क्रिसमस ट्रीज बना दी हैं और इन्हें बनाने के लिए मैंने ब्लैक कलर यूज़ किया है। ब्लैक कलर के साथ मैंने इसे ईजीली ड्रा कर लिया है और मेरी पेंटिंग रेडी है नाउ। देन आई होप यू लाइक इट। कीप वॉचिंग।